मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज हम बात करेंगे एंकल लिगामेंट इंजरीज के बारे में। एंकल लिगामेंट इंजरीज क्या होती है, एंकल में स्वेलिंग के कारण क्या होते हैं और एंकल लिगामेंट इंजरीज को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एंकल जॉइंट जो होता है, ये आपके टीबिया, फिबुला, टैलस और कैल्केनियम, ये चार बोन्स का समूह के हिसाब से बनाया जाता है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो ये हड्डियाँ आपस में मूव होती है और ये जॉइंट आपका मूव होता है। तो ये तो बोन्स का ढांचा हो गया, साथ साथ उसके लिगामेंट्स भी होती है जो इसको सपोर्ट करती है और जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि ये जॉइंट, ये जो बोन्स है, ये बोन्स आपस में निकले नहीं या जगह पे रहे, या आपके जो भी एक्टिविटीज़ हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, जंपिंग हो, खेलना हो, भागना हो या सीढ़ी चढ़ उतर करना हो, इसमें ये स्मूथनेस रहे और ये एक दूसरे को टकराए नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि लिगामेंट्स, कौन से लिगामेंट्स एंकल जॉइंट को बनाते हैं। तो सबसे पहला लिगामेंट होता है ATFL लिगामेंट। ये लिगामेंट सबसे मेन लिगामेंट होता है जो आपके फुट के बाहर के साइड में होता है। दूसरा लिगामेंट होता है CFL, वो भी बाहर के साइड में होता है। और तीसरा लिगामेंट होता है डेल्टॉइड लिगामेंट। ये तीन लिगामेंट्स जो मेन लिगामेंट्स आगे की तरफ होते हैं, ये लिगामेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका जो एंकल है ये बाहर, जब भी आपका एंकल ट्विस्ट हो तो ये इसको बाहर निकालने से रोकता है। ठीक है, हमारे जो एंकल के लिगामेंट की इंजरीज होती है वो कैसे होती है, जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो आपका एक पैर का जो, या सीढ़ी का जो है, अगर आपने मिस कर दिया और आपका फुट जो है गलत लैंड हो गया, तो ये एंकल, अगर फुट टेढ़ा हो गया तो ये एंकल पूरा स्ट्रेच हो जाएगा और ये लिगामेंट में स्ट्रेन आ जाएगा। सेम चीज़ अगर कोई, आप कोई गेम्स खेल रहे हो या भाग रहे हो या आप कूद के नीचे लैंडिंग कर रहे हो और गलत पैर पड़ जाता है, तो ये आपका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। सेम इन डांसिंग ऑल्सो। अब एंकल लिगामेंट के इंजरीज के ग्रेड्स कौन से होते हैं, बेसिकली तीन ग्रेड्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला ग्रेड जो होता है, जिसमें 25% अराउंड लिगामेंट टूट जाता है या फट जाता है या सूजन आ जाती है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि पेशेंट नॉर्मली चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कि कोई आपको लगी हुई है पर आप नॉर्मली अपने घर जाओगे, बाइक भी चला के चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा पेन बरकरार रहेगा और माइल्ड सी स्वेलिंग आएगी, कोई लिम्प नहीं आएगी, कोई भी आपको चलने में दिक्कत नहीं आएगी, बट एक मामूली सा पेन बरकरार रहेगा। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं अराउंड अबाउट 0-25% आपका लिगामेंट टेयर है, कोई MRI नहीं, कोई एक्सरे की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आपका लिगामेंट 50% टेयर है तो क्या होता है एंकल में, कि फुट में आपके स्वेलिंग थोड़ी सी बड़ी हुई होती है, आपके पैरों में आप चलते हो तो लिम्प आता है, चलते वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई लचक आ रही है आपको, पेन में हर कदम चलते वक्त ऐसा लगेगा कि पेन हो रहा है ना। तो आपके उस टाइम पे अराउंड अबाउट 50% लिगामेंट का स्ट्रेन या फटा हुआ है। थर्ड स्टेज में, जिसमें 75-100% लिगामेंट फट जाता है, उस केसेस में क्या होता है कि फुट बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाता है, एंकल भी बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाता है, आप पैर को नीचे रख ही नहीं पाओगे, एक भी कदम नीचे टच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना पेन है, इतनी स्वेलिंग है। तो ऐसे केस में, और प्लस फुट में या एंकल में आपके काला नीला हो जाएगा, ये ब्रूजिंग हम कहते हैं, जिससे आपका पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में 75% to 100% आपका लिगामेंट पूरा टेयर है। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट करोगे वो आप करोगे रेस्ट, आइस, एलिवेशन और कंप्रेशन। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होती है, जिससे आपका जो एटलीस्ट जो डैमेज है वो और बढ़े नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, अपने स्पोर्ट्स लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, उनको दिखाओगे, तो ग्रेड वन और ग्रेड टू इंजरीज में मोटा मोटा बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आपकी लिम्पिंग है, स्वेलिंग है और पेन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हमको लिगामेंट को स्टेबिलिटी देने के लिए एक जगह पे रखना ज़रूरी है। अब ऐसे चीज़ में मैं आपको एक एग्जांपल या उदाहरण ये दूंगा कि समझो ये चीज़ आपकी लिगामेंट है ना, और ये आपकी फट गई है ना। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी ये लिगामेंट फटी हुई है ना, और आपके एंकल में स्वेलिंग है, स्वेलिंग अच्छी चीज़ है, स्वेलिंग इज़ अ गम है ना, मैं कहता हूँ ये गम है जो बॉडी ने भेजा है, जो फटी हुई लिगामेंट है उसको वापस से जोड़ने के लिए। अब लिगामेंट जो फटी हुई है, अगर हमने इसको मूवमेंट किया है ना, या आप चलते रहे नॉर्मली भी, आप एंकल को स्ट्रेट रख के तो नहीं चल पाओगे, आप चलोगे तभी भी एंकल आपका ऊपर नीचे मूव होगा, तो जब भी ये ऊपर नीचे एंकल मूव होगा तो आपका लिगामेंट भी ऊपर नीचे स्ट्रेच होगा। कोई चीज़ अगर हमको चिपकानी है, एक बुक ही है जिसको हमको चिपकाना है, तो हम क्या करोगे, हम गम लगाएंगे, फेविकॉल लगाएंगे, उसको चिपका के रखेंगे, उसको बेड के नीचे रखेंगे और सो जाएंगे, तब जाके सुबह वो चिपक जाएगी। अगर हम रात भर उसको खींच के या ऊपर नीचे खोल के बंद करते रहे और सोचेंगे कि ये चिपक जाएगी, तो ये तो चिपकने वाली नहीं है, गम जो है वो सूख जाएगा,
तो सबसे पहली बात होती है कि जब इंजरी हुई है, जब इंजरी का स्टार्टिंग फेज है, जब स्वेलिंग है, तभी हमने इसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखा तो ये जुड़ने के या हील होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो एंकल लिगामेंट में अगर ये पोजीशन आपकी बरकरार रही तो ऐसे केसेस में इसको एक कच्चा प्लास्टर लगाना चाहिए जिससे आपका एंकल या फुट स्टेबल रहे और इसमें मूवमेंट नहीं हो। ये इनिशियली 5 to 7 days में रहेगा जिसमें आपकी स्वेलिंग और पेन कम हो जाएगा। जब आपके एंकल में या फुट में व्रिंकल्स आना शुरू हो जाए या झुर्रियाँ आना शुरू हो जाए तो उस टाइम पे स्वेलिंग कम हो गई है, तो ऐसे टाइम पे भी हमको इसको छोड़ना नहीं है कि चलो अभी अपने काम में लग जाओ। तब क्या होगा कि ये अभी कच्ची पक्की जुड़नी शुरू हुई है, क्योंकि कोई भी लिगामेंट को जुड़ने में मोटा मोटा 3 से 6 हफ्ते लगते ही लगते हैं, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। इसको फिर हमको या तो पक्का प्लास्टर लगाना है, लाइट वेट वाला ब्लू कलर का प्लास्टर आता है जिसमें बहुत ही लाइट होता है और वो एंकल को स्टेबल पोजिशन में रखता है, आपका एंकल को मूवमेंट नहीं करने देता और ये जो लिगामेंट फटी हुई है इसको जगह पर रखता है। जब हमने ये पोजिशन रखी उसकी लिगामेंट को और एंकल को जगह पर रखा तो 3 weeks बाद जब हम देखते हैं तो जिस जगह पे पेन था, जिस जगह पे स्वेलिंग थी, वो पेन ऑलमोस्ट 80-90% कम हो जाता है। सबसे पहली बात होती है कि एंकल का लिगामेंट तो हील हो गया, एंकल की जो टेयर था वो तो हील हो गया। अब इसके बाद में जो उसकी मसल्स वीक हो गए हैं उसको स्ट्रेंथनिंग प्लस प्रॉपर रिसेप्शन या बैलेंसिंग जो आपकी गई हुई है उसको लाना बहुत ज़रूरी है, तो वो अराउंड अबाउट 1 to 1.5 months लगते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग के फेज़ में ही इसको बढ़ने नहीं दिया तो ये काफ़ी हद तक ठीक रहता है, बट अगर ये क्रॉनिक इंजरी हो जाती है, लंबे टाइम तक खराब हो जाती है, तो ऐसे केसेस में आपकी लिगामेंट हील नहीं हो जाती। उस टाइम पे तो लगेगा कि ठीक हो गया, बट कभी भी आप डांसिंग करोगे, रनिंग करोगे, जंपिंग करोगे तो ये वापस निकलने का चांस रहेगा और ये बार बार स्वेलिंग आती रहेगी और फिर एंकल में आर्थराइटिस होने के चांसेस है। तो एंकल के जो लिगामेंट इंजरीज होती है ये बहुत अच्छे रिजल्ट विदाउट ऑपरेशन के आने बहुत अच्छे हैं। नी और शोल्डर में हो सकता है कि नी की अगर लिगामेंट टेयर है तो उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, एंकल में ऐसा सीन नहीं रहता है। बट अगर लेट हो जाता है तब बहुत लेट स्टेजेस में हमको इसके अगर रिकन्स्ट्रक्शन करने पड़ते तो हम करते हैं, बट ट्राई करेंगे कि हम बिना ऑपरेशन के इसको ठीक करें। आई होप हम आपको एंकल लिगामेंट इंजरीज के बारे में बहुत जानकारी मिली है। आप प्लीज़ इसको कभी भी कोई भी एंकल में इंजरीज हो तो इसको इमीडिएटली ठीक कराएं, इमीडिएटली इसको बढ़ने ना दें ताकि ये आपके लॉन्ग टर्म में आपके स्पोर्ट्स में या कोई भी आपके एक्टिविटीज़ में दिक्कत ना करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे और वीडियोज़ भी देखें ताकि आपको और जानकारी मिले। थैंक यू सो मच।